हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नेम है इकोनॉमिक्स सब। और स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे वो प्रिकॉशंस जो रिलेटेड हैं आपके प्रोडक्ट मेथड से, आपके वैल्यू एडिड मेथड से। कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनका हम ध्यान रखते हैं नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। जो प्रोडक्ट मेथड से न्यूमेरिकल करते हैं हम स्टूडेंट्स, उस न्यूमेरिकल को करने के लिए क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस हैं, क्या वैल्यू ऐसी है जो हमें इंक्लूड करनी है, और क्या वैल्यू कुछ ऐसी भी कंटेंट्स हैं जिनको स्टूडेंट्स हम इंक्लूड नहीं करते। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। फर्स्ट आता है इसमें यहाँ पर, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स, जब मैंने इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को डिफाइन किया था, वहाँ पर भी मैंने ये कंसेप्ट क्लियर किया था कि इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को हम इंक्लूड नहीं करते। इट इज़ नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि ये प्रॉब्लम अराइज करती है स्टूडेंट्स डबल काउंटिंग की। अब देखिए, डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम ये कैसे अराइज करती है। देखिए स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी हमें, एक रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, फार्मर ने क्या किया, वीट को सेल कर दिया किसके पास में, मिल के पास में। मिल में उसने क्या करा, अपने वीट को सेल कर दिया। अब उस वीट को जितने में उसने सेल किया, अब आगे फ्लोर मिल उसने क्या किया, आगे उसको सेल कर दिया इंडस्ट्री को बिस्किट वगैरह प्रोड्यूस करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, जो बिस्किट की वैल्यू है, जिससे बिस्किट प्रोड्यूस हुआ है वीट से, वो वैल्यू कहलाएगी फाइनल गुड्स, और जो फार्मर ने एक तरीके से सेल किया था उसके लिए कहलाएगी इंटरमीडिएट। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम दोनों की वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते, हम केवल फाइनल गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इससे ये प्रॉब्लम जो अराइज होती है डबल काउंटिंग की, यहाँ से वो अवॉइड हो जाती है अगर हम फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तब। तो एक प्रिकॉशंस इसका यहाँ पर आता है, इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स, सेकेंड प्रिकॉशंस इसका आता है, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज नॉट इंक्लूड एज दे वर इंक्लूड इन द ईयर दे वर प्रोड्यूस्ड। जितने भी इकोनॉमी में सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज होती है, उसको हम नेशनल इनकम में उनकी वैल्यू इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि उनकी वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूड कर ली, उनकी वैल्यू पहले ही इंक्लूड की जा चुकी है जिस ईयर में वो स्टार्टिंग में सेल हुआ था या परचेज हुआ था तब। तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसको दोबारा से रिकॉर्ड करेंगे तो ये भी प्रॉब्लम किसकी अराइज करेगा, डबल काउंटिंग। वर इंक्लूड इन द ईयर एज दे प्रोड्यूस, जिस ईयर में वो प्रोड्यूस हुए थे उसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने वहां पर इंक्लूड उस ईयर में कर ली थी। तो स्टूडेंट्स, इसीलिए हम इनकी वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट्स, सेकेंड हैंड गुड्स को सेल परचेज करने में कोई कमीशन या कोई ब्रोकरेज, कोई दलाली दी गई है या किसी को कमीशन पे किया गया है, तो वो इसमें इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, क्योंकि स्टूडेंट्स वो फैक्टर इनकम का पार्ट है। However, any commission or brokerage on sale and purchase of second-hand goods is also included in the estimation of national income. क्योंकि students, जितना भी commission या brokerage pay किया जा रहा है second-hand goods को sale या purchase कराने के लिए, तो वहाँ पर वो factor income का part कहलाएगा, क्योंकि जो उससे income उनको होगी वो factor income कहलाएगी, और वो factor income आपके national income का भी part है। स्टूडेंट्स देखिए, कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जिनको हम सेल्फ कंजप्शन के लिए रखते हैं, और कुछ सर्विसेज भी ऐसी होती हैं। तो पहले सर्विसेज का पॉइंट आता है स्टूडेंट्स यहाँ पे, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन इज नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, क्योंकि उसकी वैल्यू को स्टूडेंट्स हम उनकी वैल्यू को मार्केट वैल्यू में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिन सर्विसेज को हम कंज्यूम करते हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स देखिए, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन आर नॉट इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। एग्जांपल हाउसवाइफ, अब आप उसकी क्या मार्केट वैल्यू निकालेंगे हाउसवाइफ की, किचन की, या कोई गार्डनिंग, आपके आपके घर में या घर के बाहर आपके गार्डन है, तो उसकी आप मार्केट वैल्यू क्या निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, इसीलिए ये नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ ऐसी भी सर्विसेज होती हैं जो जिनको हम कहते हैं पेड सर्विसेज, जो हम
उन सर्विस के बदले में हम उनको पे करते हैं, वो उसकी वैल्यू इंक्लूड होती है, उसकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाती है। जैसे कोई भी लॉयर, पेड सर्विसेज लाइक सर्विसेज ऑफ मेड, आपके घर में कोई काम करने के लिए आते मेड्स, उनकी, ड्राइवर, प्राइवेट ट्यूटर एक्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, कोई भी पेड सर्विसेज आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। स्टूडेंट्स आगे टॉपिक, आगे इसी में कंटेंट आता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन इज इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में जो गुड्स आपने प्रोड्यूस किए हैं सेल्फ कंजप्शन के लिए, उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। स्टूडेंट्स इसमें हम एग्जांपल लेते हैं एक फार्मर का। फार्मर वीट को प्रोड्यूस करता है, गेहूं को प्रोड्यूस करता है खेत से, प्लगिंग से उससे। तो स्टूडेंट्स कुछ वीट का अमाउंट, कुछ वीट की क्वांटिटी वो अपने पास में भी वो होल्ड करता है, जिससे कि वो अपने सेल्फ कंजप्शन के लिए वो उसको यूज कर सके। तो स्टूडेंट्स ये एक एग्जांपल अगर हम इसका देखें, तो जो उसने अपने पास में सेल्फ कंजप्शन के लिए रखा हुआ है, उसकी भी तो हम मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू इंक्लूड की जाएगी नेशनल इनकम में। लेकिन स्टूडेंट्स वो मार्केट में सेल नहीं हुआ है, वो फार्मर ने अपने पास में क्या किया है, होल्ड किया है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। लेकिन स्टूडेंट्स उसकी भी तो मार्केट वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहां पर वो इंक्लूड की जाएगी आपकी नेशनल इनकम में। स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउस शुड बी इंक्लूड इन नेशनल इनकम। ये देखिए स्टूडेंट्स बहुत कमाल का पॉइंट है, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ ऑनर। एक सपोज कीजिए आप अपने घर पर रहते हैं, एक तो है कि वो घर आप ही का है, आप उस घर के ऑनर हैं, और एक स्टूडेंट्स होता है आप एक रेंट के घर पर, आप एक रेंट पर रह रहे हैं। अगर आप आपका अपने पास में घर है, आप उसके ऑनर हैं, आप उन सर्विसेज को उसमें इंजॉय कर रहे हैं जो सर्विस आप रेंट पर भी इंजॉय करते हैं। स्टूडेंट्स रेंट पर कोई रूम लेते हैं तो वहां पर भी आप उन सर्विसेज को इंजॉय करते हैं जो सर्विस आप इंजॉय करते हैं अपने घर पर भी। तो स्टूडेंट्स उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, वो भी इंक्लूड की जाएगी, इट इज इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। स्टूडेंट्स लास्ट पॉइंट आता है चेंज इन स्टॉक। अब आता है चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक या चेंज इन इन्वेंट्री ड्यूरिंग द ईयर, इट इज इंक्लूड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम बिकॉज इट इज अ कैपिटल फॉर्मेशन, इट इज अ इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट मेथड का ही पार्ट है, ये इंक्लूड होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट में। तो स्टूडेंट्स ये थे कुछ प्रिकॉशंस जो आपके प्रोडक्ट मेथड में, वैल्यू एडिड मेथड में इंक्लूड किए जाते हैं, जिनको हम देखकर नेशनल इनकम का न्यूमेरिकल क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, नेशनल इनकम के प्रोडक्ट मेथड की स्टडी करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।